लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज की कहानी एक ऐसे वार्डन की कहानी है जिसको एक बहुत ही स्पेशल और टॉप सीक्रेट मिशन के ऊपर माइनक्राफ्ट की गहराइयों से ओवरवर्ल्ड में भेजा गया था। लेकिन क्या था वो मिशन और इस मिशन के अंदर हमारे वार्डन को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेट्स फाइंड आउट। लेकिन उससे पहले गाइज, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो, आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 7% लोग ही जो है वो एक्चुअली चैनल पे सब्सक्राइब है। तो भाई ऐसा क्यों करते हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, 150,000 भी तो हिट करने हैं ना हमने, लेट्स गो। हमारे वार्डन के लिए माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड एक बिल्कुल नई दुनिया थी, बिकॉज उसने कभी भी माइनक्राफ्ट की गहराइयों से निकल के इस तरह की दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसलिए स्टार्ट के अंदर हमारे वार्डन के लिए माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना एक नया चैलेंज था। लेकिन हमारे वार्डन को माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर भेजा क्यों गया था, आखिर क्या था वो मकसद जिसकी वजह से उसको अपना घर, अपनी फैमिली और सब कुछ छोड़कर माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में आना पड़ा? तो गाइज, इसका जवाब ये है कि माइनक्राफ्ट की गहराइयों में जहां पर उसका वार्डन विलेज लोकेटेड था, वहां पर दरख्त नहीं उगते थे, ना ही वहां पर कोई एनिमल्स होते थे जिनको हंट करके वहाँ पर खाना इकट्ठा किया जा सकता था। इसलिए वार्डन्स का वहाँ पर सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए हर 100 साल के बाद एक वार्डन को माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर भेजा जाता था, ताकि वो आने वाले 100 सालों के लिए सारे के सारे वार्डन्स के लिए सप्लाईज और खाना कलेक्ट कर सके। इसी तरह हमारे वार्डन ने भी अपने वार्डन विलेज के लिए सप्लाईज और खाना कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे पहले तो उसको एक सेफ हाउस बनाना था जहाँ पर वो अपना सारा खाना और सप्लाईज इकट्ठा करके रख सकता था। इसलिए हमारे वार्डन ने कुछ बेसिक टूल्स बनाए और एक केव के अंदर खुदाई करके अपना सेफ हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर कई दिनों तक मेहनत करने के बाद फाइनली उसका सेफ हाउस तैयार हो चुका था, जहां पर वो अपना सारा खाना और सप्लाईज इकट्ठी करके रख सकता था। और फिर हमारे वार्डन ने अपना सप्लाईज इकट्ठा करने का काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अब हमारे वार्डन को सप्लाईज इकट्ठे करते हुए कई साल गुजर चुके थे और उसने अपने वार्डन विलेज के लिए ढेर सारे सप्लाईज और खाना इकट्ठा कर लिया था। वो सुबह अपने घर से निकलता था, सारा दिन सप्लाईज और खाना कलेक्ट करता था और शाम होने से पहले पहले अपने घर में वापस आ जाता था। लेकिन एक दिन वो सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए अपने घर से कुछ ज्यादा ही दूर चला गया और तभी वहां पर रात होना स्टार्ट हो गई। हमारे वार्डन को पता था कि वो कभी भी टाइम पर अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसने वहीं पर एक केव के अंदर पनाह लेने का फैसला किया। अभी रात हुए, थोड़ा सा टाइम ही गुजरा था कि अचानक हमारे वार्डन के ऊपर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया। ना सिर्फ अकेले ज़ॉम्बीज़ ने बल्कि दूसरे मॉब्स जैसे कि स्केलेटन्स, क्रीपर्स और स्पाइडर्स सब ने मिलकर हमारे वार्डन के ऊपर हमला कर दिया। हमारे वार्डन के पास इन मॉब्स के साथ लड़ने का बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज उसने जिंदगी में कभी भी कोई भी रात अपने घर से बाहर नहीं गुजारी थी। इसलिए हमारे वार्डन ने उन मॉब्स से जान बचाने के लिए भागना स्टार्ट कर दिया। उन मॉब्स ने हमारे वार्डन को ढेर सारा डैमेज दे दिया था और हमारे वार्डन भागते भागते बहुत दूर निकल चुका था। उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसका घर किस तरफ है। अब हमारे वार्डन को ये लगने लगा था कि यही एंड है, यहीं पर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक उसको दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। हमारे वार्डन के अंदर जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, उसने उस सबको इकट्ठे किया और जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से उस रोशनी की तरफ चलता चला गया। जब वो उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक विलेज था। हमारा वार्डन उस विलेज को देखकर बहुत खुश हुआ और उसको ये लगा था कि अब फाइनली उसकी जान बच चुकी है। अब कई साल गुजर चुके थे और हमारे वार्डन ने बाकी सब विलेजर्स के साथ इसी विलेज में रहना स्टार्ट कर दिया था। इन विलेजर्स ने हमारे वार्डन की काफी ज्यादा मदद की थी, उसको रहने के लिए जगह दी थी, खाने के लिए खाना दिया था और जब वो जख्मी हालत में इस विलेज के अंदर आया था तो उसका ख्याल भी रखा था। और हमारे वार्डन के पास भी इस विलेज के अलावा रहने की कोई और जगह नहीं थी, बिकॉज वो अपने घर का रास्ता भूल चुका था जहां पर उसने अपने वार्डन विलेज के लिए सारा साजो सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। और फिर थोड़े थोड़े करके दिन गुजरते गए और हमारा वार्डन इस विलेज के अंदर मुकम्मल सेटल हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस विलेज के ऊपर काले बादल मंडराने लगे, बिकॉज इस विलेज के अंदर जितना भी खाना था वो खत्म हो चुका था। विलेजर जो भी कुछ उगाते थे वो खराब हो जाता था। इस विलेज के लोग भूख की वजह से मरना स्टार्ट हो गए थे। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से सो नहीं पाते थे। इस विलेज के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे वार्डन से इस विलेज की ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, बिकॉज जब हमारे वार्डन को मदद की जरूरत थी तो इन सब विलेजर्स ने मिलकर हमारे वार्डन की मदद की थी। और अगर ये विलेजर्स हमारे वार्डन की मदद ना करते तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। हमारा वार्डन इस विलेज की मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो इनकी मदद कैसे करेगा। फिर एक दिन उसको ख्याल आया कि उसका पुराना घर जिसका रास्ता वो भूल चुका है, वहाँ पर ढेर सारा खाना मौजूद है और अगर हमारा वार्डन जैसे तैसे कर उस घर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो वो इस विलेज को बचा सकेगा, बिकॉज उस घर में इतना खाना मौजूद है कि ये सब विलेजर इजीली कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए फिर हमारा वार्डन अपने पुराने घर को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ा। उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो अपने घर को कैसे ढूंढेगा, लेकिन उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसको किसी भी तरह करके इन विलेजर्स की मदद करनी है।
अब हमारा वार्डन कई सालों से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसको अपने पुराने घर का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी कि हमारा वार्डन कभी हार नहीं मानने वाला, बिकॉज उसके ऊपर कई लोगों की लाइफ डिपेंड कर रही थी। और इसीलिए हमारे वार्डन ने एक दिन आखिर कर दिखाया, उसने अपना पुराना घर ढूंढ लिया था। अब वो बहुत खुश था बिकॉज वो उन सारे विलेजर्स की मदद कर सकता था। फिर हमारे वार्डन ने उस घर से सारा खाना कलेक्ट किया, और वो खाना कलेक्ट करके अभी वहां से निकलने ही लगा था तो उसके जहन के अंदर एक ख्याल आया कि उसने ये सारा खाना माइनक्राफ्ट के वार्डन विलेज के लिए कलेक्ट किया था, और अगर ये सारा खाना वार्डन विलेज तक ना पहुंचता तो वार्डन विलेज के सारे वार्डन का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। अब हमारे वार्डन के पास दो ऑप्शंस थे, अगर वो ये खाना वार्डन विलेज में ले जाता तो फिर दूसरे विलेज का बचना बहुत मुश्किल था, और अगर वो ये खाना दूसरे विलेज में ले जाता तो फिर वार्डन विलेज का बचना नामुमकिन था। इसलिए हमारे वार्डन को इन दोनों विलेजेस में से किसी एक विलेज को चूज करना था, और उसके पास टाइम भी बहुत कम था। और फिर हमारे वार्डन ने ये डिसाइड किया कि वो ये खाना दूसरे विलेज में ले जाएगा, उसके बाद वो सब लोग मिलकर सारे विलेजर्स और वार्डन मिलकर वार्डन विलेज के लिए दोबारा से खाना कलेक्ट कर लेंगे। इसलिए वो दूसरे विलेज की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब वो उस विलेज में वापस पहुंचा तो वो ये देखकर दंग रह गया कि पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। हर तरफ आग ही आग थी, किसी विलेजर का कोई नामो निशान नहीं था। सारे के सारे विलेजर्स बच्चे, हर चीज खत्म हो चुकी थी। ये देखते ही हमारा वार्डन गुस्से से लाल पीला हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है वो जिसने मेरे विलेज को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि इन विलेजर्स ने हमारे वार्डन की बहुत मदद की थी। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा वहां पर उसकी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम एक और वार्डन मौजूद था। लेकिन वो वार्डन आखिर था कौन, और क्या उसी ने माइनक्राफ्ट विलेज को डिस्ट्रॉय किया था? इन सवालों के जवाब तो सिर्फ वो वार्डन ही दे सकता था। इसलिए हमारे वार्डन ने फौरन उस दूसरे वार्डन के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर उन दोनों की फाइट के दरमियान जब हमारे वार्डन ने उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अटैक किया तो वो पानी में गिर गया, और क्योंकि वार्डन को तैरना नहीं आता इसलिए वो पानी में फंस चुका था। और फिर वो पानी में डूबने लगा क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। लेकिन हमारे वार्डन ने उसको कहा कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें इस पानी से निकाल लूंगा। और फिर हमारे वार्डन ने उसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, और क्या मेरे विलेज को तुमने डिस्ट्रॉय किया है? हमारे वार्डन के सवाल सुनने के बाद दूसरे वाला वार्डन शदीद गुस्से में आ गया, और उसने कहा कि मैं उसी वार्डन विलेज का रहने वाला हूँ जहाँ से तुम्हें खाना और सप्लाईज इकट्ठे करने के लिए माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में भेजा गया था। लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे के पूरे वार्डन विलेज को धोखा दिया, और यहाँ पर इन फजूल विलेजर्स के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, जबकि वहाँ माइनक्राफ्ट की गहराइयों में छोटे छोटे वार्डन बच्चे इस आस में बैठे हुए थे कि तुम उनके लिए खाना और सप्लाईज लेके आओगे। लेकिन तुम यहाँ पर इन फजूल विलेजर्स के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। और हाँ, मैंने ही डिस्ट्रॉय किया है तुम्हारे विलेज को, मैंने ही मारा तुम्हारे प्यारे विलेजर्स को। ये सुनते ही हमारा वार्डन गुस्से से पागल हो गया, और उसने उस दूसरे वार्डन को यहीं पर खत्म कर दिया। अब हमारे वार्डन ने दूसरे वार्डन को खत्म तो कर दिया था, लेकिन एक सवाल उसके जहन में बार बार आ रहा था कि इन विलेजर्स का क्या कसूर था, इन छोटे बच्चों का क्या कसूर था जो उनका ये हशर हुआ। इसलिए हमारे वार्डन ने ये फैसला किया कि वो हर सूरत में इस मामले की तह तक पहुंच रहेगा, बिकॉज उसके दिल के अंदर अभी भी बदले की आग जल रही थी।